जाए जिसके अंदर लोगों की जो खास तौर पे जो कमजोर तबका है उसको ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करें कि उनके ऊपर कोई मुश्किल फैसलों का असर कम से कम पड़े और जो साहिब इस्तेतात हैं उनकी तरफ जाया जाए, और इसके साथ साथ जो हमारी माशी जो तरजीहात हैं कि रोज़गार हमने पैदा करना है, तो ऐसा ना हो कि इस बहरान को काबू पाने के अंदर हमें उसके अपने जो बुनियादी हमारा मंशूर है उससे को बहुत ज़्यादा हमें तब्दीली करनी पड़े। ये सब चीज़ों को देखते हुए मुश्किल चैलेंज है, ये आसान चीज़ नहीं है, और ये मेरे ख्याल में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि ये मुश्किल फैसले हैं, मुश्किल चैलेंज है, लेकिन इस कौम ने पहले भी साबित किया है कि जब कोई फैसला कर ले ये कौम मुल्क की बेहतरी के लिए, किसी ग्रोह की किसी फर्द की बेहतरी नहीं, मुल्क की बेहतरी के लिए जो होता है, तो फिर मुल्क जो है वो साथ मिलकर मेहनत भी करता है उस फैसले के ऊपर और कामयाब भी होकर दिखाता है। हम ये पहले भी दुनिया को करके दिखा चुके हैं, इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा। और ये जो हमारा हर चंद साल के बाद IMF के सामने बैठे होते हैं, पुराने कर्जे देने के लिए पैसे नहीं होते, ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे होते हैं, जो अभी सूरत हाल है जो छोड़ के गई है पिछली हुकूमत, जो सूरत हाल में जब वो आए थे तो उनके साथ भी यही हुआ था, उनसे जो पिछले थे वो हालात छोड़ के गए थे, जो उससे पहले आए थे उनके साथ भी यही हुआ था। ये साइकिल हमें तोड़ना है और एक दफ़ा एक मईशत को अपने पैरों पे खड़ा करना है। तकलीफ अभी बर्दाश्त कर लेंगे, अभी मुश्किल ले लेंगे, लेकिन उसके बाद जो है एक ऐसी मईशत की तरफ जाना है जहां पाकिस्तान अपनी पैरों पर